असलकम दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद अदेल आज हम सब दोस्तों की खिदमत में एक और अहम मसला पेश करने जा रहे हैं जानवरों के मतलब जिनमें के रिपीट ब्रीडिंग शामिल है आप सबको पता ही होगा कि डेरी के एनिमल्स जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कॉस्टली होते हैं और उन पे सीमन वगैरह का भी बहुत ख़र्चा होता है अगर एक जानवर बहुत बार रिपीट होता है मतलब कि उसको पहली बार सीमन हुआ फिर रिपीट हो गया फिर दूसरी बार हुआ सीमन फिर रिपीट हो गया तो आखिर कोई ना कोई इशू है कि वो जानवर बार बार रिपीट हो जाए रिपीट हो रहा है तो इसको हल हाँ। करने के लिए इसकी प्रॉपर तहकीक करनी चाहिए या कि इसको है क्या अंदर बच्चे के अंदर मसला क्या है इसके अगर एक जानवर एक मरतबा रिपीट होता है तो एक सवाल निशान है कि उसका प्रॉपर हल क्यों नहीं निकाला गया अभी तक जब वो दूसरी बार हीट में आए रिपीट होके, के मतलब उसने आपके दस बारह हज़ार की एक डोज़ का नुकसान कर दिया फिर उसने आपके बीस पच्चीस दिन का भी नुकसान कर दिया जो उस पर फीड की कॉस्ट आई तो सबसे पहले तो जानवर की ओवर एग्जामिन करें आया कि उसको कोई फोलिकुलर सिस्ट तो नहीं या उसकी बच्चे जानवे में, में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा बाजा ऐसा होता है कि सेक्रेशंस में वीजली तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आती हैं लेकिन वो इतना साफ़ नहीं होते वेजनल सक्रेशन में कुछ थोड़ी सी जो है ना पास सक्रेशन होती हैं थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है जो वेजनल सेक्रेशन को वैसे हाथ पे लेके उसको जो है ना पंजे को जो है ना खोलें थोड़ा सा अगर वो सेक्रेशन में कुछ जाली टाइप मवाद ऐसे नज़र आए या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन नज़र आए समझ लें कि यही रिपीट ब्रीडिंग का जो है ना यही रिपीट ब्रीडिंग की वजह है अगर तो ऐसा है तो सिंपल जानवर को जो है ना आप जेंटा और पेंसिलिन से जो है ना आयु कर दें उसकी डोज है जी तकरीबन कोई एक मरतबा ही आयु कर दें कोई बीस से ग्राम जो है ना आपके पास पेंसिलिन चाहिए और उसके साथ जो है ना प्लस जेंटा जेंटा माइसिन ये जो है ना इन दोनों को जो है ना डाइल्यूट करके मिक्स करके जो है ना इंट्रा यूट्राइन इनको जो है ना जी रख दें इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे जब आपका जानवर आएगा तो बिल्कुल साफ़ होगा और अगर आप उसको जो है ना उस सीट पे जो है ना सीमन करेंगे तो इंशाल्लाह कंसीव हो जाएगा शुक्रिया दोस्तों